टेंथ क्लास साइंस चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दे क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 6 पिछली वीडियो च कर लेने हुन क्वेश्चन नंबर 7 करन जा रहे हैं। लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स ए क्वेश्चन 240-241 पेज देने इतने मैं तीन मैथड लिख दते ने। एक तो परमानेंट मैगनेट्स नाल असीं मैगनेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं जिदा परमानेंट मैगनेट है इहदा मैगनेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ इहदे इर्द गिर्द मैगनेटिक फील्ड लाइनस बनदियां ने। अगे करंट कैरिंग कंडक्टर जिस तरह आ कंडक्टर है इहदे करंट पास करोगे तो इहदे इर्द गिर्द मैगनेटिक फील्ड बन जाता इहदे परपेंडिकुलरली। तो तीसरा मैथड इलैक्ट्रोमैगनेट जिस तरह आ मैगनेट है तो आ पिन है जे मैं स्विच नूं ऑन करूँगा आ देखो ये मैगनेट बन गया आ देखो आ मैगनेट बन गया आ देखो ठा रहा है ना आ देखो जे मैं स्विच नूं ऑफ करूँगा आ देखो मैगनेट खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डज अ सोलेनॉयड बिहेव्स लाइक अ मैगनेट। सोलेनॉयड होंदी है कोई कॉयल है जे किसी मैगनेटिक मटीरियल ते लपेट दी है तो सोलेनॉयड बन गई। कैन यू डिटरमिन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉयड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैगनेट। एक्सप्लेन अ सोलेनॉयड बिहेव्स लाइक अ मैगनेट ये आंसर है। बिहेव्स लाइक अ मैगनेट वैन अ करंट इज पासड थ्रू इट जो तो सोलेनॉयड दे विचों करंट पास किया जाता है जिस तरह सोलेनॉयड आ मैगनेटिक मटीरियल आ पेज दे उत्ते मैं लपेट दिती है हुण जो तो मैं इच्चों करंट पास करूँगा सर्कट नाल ला लैने आ देखो इहदे विच आ स्विच लाता ते आ हैगे ने सैल पेयर ऑफ सैल्स ते इहने मैगनेट बन जाणा। अगे देखिए इट्स वन बिहेव एंड बिहेव्स एज मैगनेट नॉर्थ मैगनेटिक नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड बिहेव्स एज साउथ मैगनेटिक साउथ पोल लाइक इन अ बार मैगनेट जिदा बार मैगनेट दे विच हुंदा है। द फील्ड लाइन्स इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉयड इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ पोल एंड इमर्जमेंट उत्थों चलदियां ने ते मर्ज किथे हुंदियां ने साउथ पोल दे विच तो मैं फिगर भी बना दित्ती है। हुण इत्थे थोड़ा ध्यान देण वाली गल ये है जे तां असीं वायरिंग ये करदे हां क्लॉकवाइज लो फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं समझाउंदा लो देखो मान लो आ कोई मैगनेटिक मटीरियल आयरन ही मान लैने इदा इत्थे वायरिंग कीती इस तरह इह कीड़ी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज कर रहा मैनू इदा वायरिंग हुण जदों क्लॉकवाइज इदा कर लिया आ वायरिंग हो गई हुण इह जिहड़ा पोल बनना ना अगर करंट मैं इधरों इधर नूं पास करदा जिस तरह इहदे च दस्सिया ना पॉजिटिव इहदा मतलब करंट की डायरेक्शन इधर है ये भी याद रखनी दो गल्लां इहदे च करंट की डायरेक्शन ते इहदी वायरिंग कि मैं डायरेक्शन की क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज हूँ मैंने क्लॉकवाइज किया तो हूँ ये जो फील्ड लाइनस अंदर मर्ज हो इधरों जाके दूजे पास निकलनगियाँ देखो इदा एदा हूँ इतने जी वायरिंग की हुई है आ देखो ना ये भी इतने क्लॉकवाइज की हुई है वायरिंग आ देखो नीचे न तो यद मतलब इतने फील्ड लाइनस अंदर गई तो इधरों बहर निकलनगियाँ इदा ये साउथ पोल बनना यह राइट हैंड रूल ना आपां पता लग जाता किस तरह हुण आ करंट उपर नूं जे नीचे नूं जा रहा ना देखो ये आ डायरेक्शन है यदा मतलब अंदरों ये अंदर नूं जा रही ने जेकर करंट इहदे चों आ करंट इदा पास हो रहा इदा चल रहा क्लॉकवाइज इहदा मतलब फील्ड लाइनस अंदर नूं जा रही अंदर नूं इहदा मतलब इत्थे साउथ पोल बनना ते इधर बनना नॉर्थ पोल जिहड़ी है इधर जे देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज तुहानू नज़र आनी है ये वक्री वीडियो मैं कि समझा दूंगा पहला भी मैं अच्छी तरह समझाया इधर साउथ पोल बनना इधर नॉर्थ पोल बनना तो जे इनू करंट की डायरेक्शन आप उल्टा देंगे इधर नैगेटिव टर्मीनल ला देंगे इधर पॉजिटिव ला देंगे तो पोल भी चेंज हो जाने इधर नॉर्थ पोल आ जाएगा इधर साउथ पोल आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कैन यू डिटरमिन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉयड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट। तो पहले आंसर देख लेते हैं
ब्रिंग यस द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनोइड कैन बी डिटरमिंड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट इस नाल डिटरमिन कर सकते हैं। ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट नियर वन एंड ऑफ द सोलेनोइड। इफ देयर इज एन अट्रैक्शन देन दैट एंड ऑफ द सोलेनोइड हैज साउथ पोलैरिटी, भी साउथ पोल पोलैरिटी भी लिख देने, एंड द अदर हैज नॉर्थ पोलैरिटी। इफ देयर इज अ रिपल्शन, जे रिपल्शन होंगी दैन दैट एंड ऑफ द सोलेनोइड हैज अ नॉर्थ पोलैरिटी एंड द अदर एंड हैज साउथ पोलैरिटी। कहने का मतलब जिस तरह आ सोलेनोइड हुण इहदे च जो करंट चलना है, अगर तो इस डायरेक्शन दे विच ही इहनू चलावांगे इसे फिगर दे नाल ही, इदां दी सोलेनोइड आ पॉजिटिव टर्मिनल लगाता, अगर तो मैं साउथ पोल के नेड़े इदां लैके जाऊंगा, जे तो अट्रैक्शन होंदी है तो नॉर्थ पोल है, तो जे रिपल्शन होंदी है तो यह साउथ पोल है, तो परला नॉर्थ पोल बन जाना। जे अट्रैक्शन है इन्हें नॉर्थ पोल बन जाना, इधर वाले ने साउथ पोल बन जाना। जे रिपल्शन है एक दूजे नू रिपेल कर रहे ने, तो फिर इन्हें साउथ पोल बन जाना, इन्हें नॉर्थ पोल बन जाना। लो देखिए प्रैक्टिकल करके, लो एक गल ए समझ लो, पहला ए जिहड़ियां टर्नां सन फिगर बनाई सी क्लॉकवाइज चढ़िया हुई सी, इधर साउथ पोल बन रहा सी, इधर नॉर्थ पोल, ते पॉजिटिव टर्मिनल नाल लगाया सी। इत्थे मैं आ जिहड़ी सोलेनोइड बनाई है इहदे च एंटी क्लॉकवाइज टर्नां चढ़ाइया, ये याद रखना, ते नाल इहनूं मैं पॉजिटिव टर्मिनल नाल ही लगाया। देखो पॉजिटिव टर्मिनल नाल आ वाला, ते लो हुण स्विच ऑन करदे आ। आ मैं मैगनैटिक कंपास है, भी मैगनेट ही हुंदा, इहदियां डायरेक्शन हुंदी नॉर्थ टू साउथ। ते जे मैं इस कॉन्सैप्ट नाल देखां, ते जे इहदा मतलब इस कॉन्सैप्ट दे नाल आ पार्ट बनना साउथ पोल, ते आ बनना नॉर्थ पोल। लो चैक करिए, आ देखो इन्हों अट्रैक्ट कर रहा, आ देखो अट्रैक्ट कर रहा है ना। ते जे मैं दूजी डायरेक्शन च लाया तो देखो रिपेल करेगा इन्हों, बंद करके हुण मैं इहदी डायरेक्शन चेंज कर दिना, क्योंकि इत्थे टर्ना एंटी क्लॉकवाइज चढ़ी है, इहदा मतलब फिर उल्ट जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। लो हुण मैं चेंज कर दिना, आ देखो रिपेल कर रहा है ना, देखो आ नॉर्थ वाली साइड ते सी, हुण मैनू लैके जाना आलो, आ नॉर्थ पोल बन गया, इधर नॉर्थ पोल बनना, इधर साउथ पोल बनना है। इस तरह सी इहदे चैक कर सकते हैं। हुण देखो इहदा मतलब ये साउथ पोल है, इहदा नॉर्थ पोल है। इस तरह सी इलैक्ट्रोमैगनेट दी डायरेक्शन चैक कर सकते हैं, किहड़ा साउथ पोल है, किहड़ा नॉर्थ पोल है। एक गल बचो तुहाडे दिमाग दे विच आ रही होनी है, भी मैनू बार मैगनेट नाल क्यों नहीं चैक कीता। उहदा कारण यह है भी आ जिहड़ा इलैक्ट्रोमैगनेट है बहुत वीक है, अंदर सक्रियू है, तो जे मैनू इहदे कोल रखदा तो इहनू अट्रैक्ट करी जांदा, चाहे मैनू ऑन वी करदिआं उहना फिर सानू पता नहीं ना लगना, जां तां फिर इलैक्ट्रोमैगनेट दी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होवे, टर्न ज़्यादा लपेटनियां पैणगीआं। इत्थे तां बहुत घट कॉइलां, तो फिर ही मैनू पता लग्या, फिर ही रिपेल करेगा, इदा तो इन्हें इनू स्क्रू नहीं अट्रैक्ट करी जाना। आ देखो जे इधर रखा तो भी अट्रैक्ट करी जाना, चाहे मैं ऑन भी कर दिया, आ देखो तो भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो जे इधर रखा तो भी अट्रैक्ट कर रहा। उहदा कारण यह है भी इहदे जिहड़ा फील्ड बनता वो इहदे फील्ड नालों बहुत ज़्यादा वीक है, तो इहदी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, तो उहना फिर सानू पता नहीं लग पाता, इस करके ही मैं इहदे नाल चैक कीता सीगा मैग्नेटिक कंपास नाल। तो अगला क्वेश्चन है 9, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। कदों करंट कैरिंग कंडक्टर दी फोर्स मैक्सिमम लगती है, जदों नूं मैग्नेटिक फील्ड च रखा जाता है। मतलब जिस तरह आ मैगनेट है, मैगनेटिक फील्ड है, आ मान लो कंडक्टर आपां सिंपल आ भी लै सकते हैं, इदां भी कंडक्टर लै सकते हैं, इदां परपेंडिकुलरली रखांगे ते इत्थे मैक्सिमम फोर्स लगनी है इहदे उपर, जिस तरह कॉयल रखदे सी ना आपां, आ सॉलिड आ एक पार्ट ही है कॉयल दा, ते इत्थे मैक्सिमम फोर्स लगनी है क्योंकि दोनों एक दूजे दे परपेंडिकुलर आ गए।
द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਆ।